सी सीन मैनेजमेंट और उसके बाद हमने अपने बाकी सारे वीडियो जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज और फर्स्ट एड फॉर स्पेसिफिक इमरजेंसीज को कवर किया था और हम इसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो इन दिस वी आर गोइंग टू कवर अबाउट डिजीजेस कार्डियोस्कुल्डियोस्कुलर का मतलब होता है हमारे हार्ट रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उसके सिचुएशन में हम लोग फर्स्ट एड कैसे देंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे सो so, फर्स्ट जैसे चार हमारे यहाँ पे सामने दे रखे हैं विच इज नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज हाई ब्लड प्रेशर एंगाइना और एंजीना और फोर्थ इज हमारा हार्ट अटैक सो लेटस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट लेटस अंडरस्टैंड एंजाइना और हार्ट अटैक वाले सिचुएशन में हमको फर्स्ट एड कैसे देना होता है तो पहले हमको कोई भी कैजुअलिटी है उसको कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे वी हैव टू आस्क इम सम क्वेश्चन विच इज कैन यू शो मी वेरी थर्ट्स पहले हमें पूछना पड़ेगा की आपको दर्द कहाँ पे हो रहा है सेकेंड इज है क्या हमें पूछना या फिर जानना पड़ेगा कि क्या आपको ये चीज पहले भी हो रखी है पेन जो है क्या आपको पहले भी आ रखा है इससे हमें क्या पता चलेगा वो हमारे नेक्स्ट पॉइंट में है कि कि डू यू हैव मेडिकेशन मेडिकेशन फॉर दिस पेन अगर वो आदमी बोल रहा है है हाँ ये दर्द मेरे को पहले से हो रखा है, तो ऑब्वियसली उसने मेडिकल दिखाया होगा और उसको कुछ मेडिकेशन मिली होंगी तो वो वही चीज को मेडिकेशन को बताएगा ताकि उसको उसी टाइम पे वो मेडिकल और मेडिकेशन उसको प्रोवाइड की जाए सेकेंड इज हमारा कॉल फॉर मेडिकल हेल्प एंड ग्रेटर डीफिब इसमें मेडिकल हेल्प को हमारा नेक्स्ट स्टेप है मेडिकल हेल्प को हमें बुलाना है और हमें डिफिब्रिलेटर बुलाना है डिफिब्रिलेटर का मतलब क्या होता है कि कभी ऐसा स्टेट आता है जब आदमी हार्ट अटैक के बाद कंप्लीटली सुन और उसकी बॉडी स्टॉप कर देती है उसका हार्ट पंप करना बंद कर देता है ब्लड तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमको उसको शॉक देना पड़ता है ताकि हमारा हार्ट जो है वो वापस स्टार्ट हो तो ये हमारा डिफिब्रिलेटर पे होता है थर्ड इज आवर प्लेस द कैजुअल्टी एट रेस्ट कैजुअल्टी जो भी है उसको एक रेस्ट पोजीशन पे हमको उसको रखना है फोर्थ इज असेस द कॉन्शियस कैजुअल्टी टू टेक देयर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन यूजुअली नाइट्रोग्लिसरीन अगर हमारा कोई भी कैजुअलिटी है दो सिचुएशन है या तो कैजुअलिटी जो है वो कॉन्शियस रहेगा या तो अनकॉन्शियस रहेगा कॉन्शियस में हमारा क्या करना है कि उसको हमसे पूछना है कि हमें उसे पूछना है कि आपको कोई प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे जैसा कि नॉर्मली नाइटोग्रेसरी होता है एंड फिफ्थ पॉइंट इज अगर हमारा कैजुअलिटी अनकॉन्शियस है और उसकी सांस लेना बंद कर चुका है तो हमको सीपीआर स्टार्ट करना है सीपीआर मतलब कार्डियोपलरी रिसोसाइटेशन सो लेट्स गो टू आर नेक्स्ट पार्ट और इसी को कंटिन्यू करेंगे तो अभी हम देखेंगे हमारा स्ट्रोक एंड ट्रांसियट स्कीम इस्केमिक अटैक टी आई ए इसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है जब हमें एक स्ट्रोक आता है तो फर्स्ट इज परफॉर्म अ प्राइम सर्वे देन डू अ प्राइमरी सर्वे एंड परफॉर्म द फास्ट असेसमेंट पहला है कि हमें सीन सर्वे करना है सीन सर्वे मतलब हमें देखना है कि वो जो एरिया है वो सही है कि नहीं और प्राइमरी सर्वे मतलब हमको उसको असिस्ट करना है उसको फर्स्ट एड देना है और हमको ये सब चीजें फास्ट करनी होती है फिर हमको मेडिकल हेल्प को कॉल करना है विच इज आर सेकेंड स्टेप कॉल फॉर मेडिकल हेल्प थर्ड इज प्लेस द कैजुअलिटी एट रेस्ट पोजिशन जैसे पोजीशन में हमको उसको बिठाना है सेमी सिटिंग पोजीशन मतलब कि आप मान लीजिए आप दीवार के सपोर्ट पे पैर लंबा करके बैठे हैं उसी सिचुएशन को एक एल शेप उसी को बोलते हैं सेमी सिटिंग पोजीशन ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट इज गिव नथिंग बाय माउथ स्पेशली एएसए हमको माउथ के थ्रू उसको कुछ भी नहीं देना है फिफ्थ इज गेम ऑन गोइंग जब तक हमारा मेडिकल सपोर्ट नहीं आ जाता है उस टाइम तक हमको उस आदमी का ख्याल रखना है हम लोग क्या करते हैं तो फर्स्ट इज हमको आ, उसका ब्रीथ जो ओपन द एयर वे उसका जो एयर वे है उसको हमको ओपन करना है कहीं वो बंद तो नहीं हो गया फिर सेकेंड इज हमको चेस्ट कंप्रेशन देना है यहाँ पे चेस्ट पे कुछ कंप्रेशन देना है हमको कंप्रेशन देने होते हैं पर सेकेंड दो बार पर सेकेंड दो बार हमको ऐसे तीस कंप्रेशन चेस्ट कंप्रेशन देने होते हैं और हमारा गिव रेस्क्यू ब्रीथ ये तीस में कोई भी ट्रेंड होता है जो भी फर्स्ट एडर उसको सीपीआर सिखाया जाता है तो उस सिचुएशन में उसको थर्टी कंप्रेशन देने होते हैं चेस्ट सेपरेशन और दो बार उसको रेस्क्यू ब्रीथ देना है। मतलब mouth mouth हमारा external bleeding. External bleeding मतलब अगर कोई कट हो कट लग गया तो उस टाइम पे हमारा जो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है जो खून बाहर निकलने लगता है उसको एक्सटर्नल ब्लीडिंग बोलते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना होता है फर्स्ट इज परफॉर्म अर्वे हमें आसपास की चीजें देख के हमको समझनी पड़ेगी कि कहाँ पे उसको कैसे चोट लगी है वो जो रीजन है वो कहीं हमको तो चोट नहीं पहुंचाएगा या फिर इसको और चोट तो नहीं पहुंचाएगा तो वो सीन को हमको सर्वे करना पड़ता है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज टू कंट्रोल सीवियर ब्लीडिंग अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड अभी हमारा बहुत तेज से ब्लीडिंग बहुत तेज से खून निकल रहा है तो उस सिचुएशन में मान लीजिए अभी मेरा यहाँ पे खून निकल रहा है अभी मेरा पे खून निकल रहा है तो हमको उस पर एक डायरेक्ट प्रेशर डालना पड़ेगा कैजुअलिटी तो कैजुअलिटी जो है उसको हमें एक रेस्ट पोजिशन में रखना पड़ेगा फिर उसके बाद वंस ब्लीडिंग इज अंडर कंट्रोल कंटिन्यू द प्राइमरी सर्वे पहले हमारा स्टेप क्या है बाकी सारे काम में बाकी सारे जो भी अभी तक हमने एमरजेंसी को देगा उसमें टू द वुड फिर उसके बाद हमको प्राइमरी सर्वे करना है प्राइमरी सर्वे मतलब उसको फर्स्ट एड देना है फिर हमको एमरजेंसी कॉल करना है ये सब होते हैं हमारे प्राइमरी सर्वे में वुड चेक सर्कुलेशन बिलो द इंजरी अगर हमारा कभी भी कोई चोट लग रहा है तो हमको उसके सराउंडिंग में या फिर उसका जो आसपास की जगह उसमें देखना है कि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं जैसे कि आपने देखा होगा अभी मान लीजिए हमारे पैर पे चोट लगी हुई है कभी कभी ऐसा होता है कि आपका नॉर्मल स्टेट कैसा रहेगा कि आपका जो पैर है वो नॉर्मल रहेगा अः स्वेलिंग ज्यादा नहीं होगी या तो नॉर्मल के बराबर रहेगी और आपका जो फुट का पैर का कलर है वो नॉर्मल रहेगा और आप फिंगर्स को मूव भी कर सकते हैं तो उस सिचुएशन में आपका ब्लड सर्कुलेशन सही है बट इन सम कंडीशन कभी कभी क्या होता है कि अपना जो अभी ब्लड ऐसे इंजरीज के बाद हमारा जो ब्लड फ्लो है वो फुल अच्छे से नहीं हो पाता तो हमारा जो पैर है वो सडनली ब्लू कलर का हो जाएगा पैर स्वेल हो जाएगा आप उंगली मूव नहीं कर पाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में हमको पता चलता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है तो हमको उसी इंजरी के नीचे हमको देखना पड़ेगा कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर है कि नहीं फिर उसके बाद सिक्स पॉइंट इज दैट चेक द सर्कुलेशन बिलो द इंजरी एंड कंपेयर इट कंपेर अदर साइड इफ इट इज वर्स देन इट वॉज बिफोर द इंजरी वॉज बैंडेज लूज इन द बैंडेज जस्ट फिफ्थ स्टेप में क्या किया हमको पहले सर्कुलेशन चेक करना है चोट के बाद ये चोट के नीचे सर्कुलेशन कैसा है फिर हमको उसको कंपेयर करना है अपने दूसरे बॉडी uh, पार्ट से कंपेयर टिवली अदर साइड अदर साइड के साथ फॉर एग्जाम्पल इस हाथ को दूसरे हाथ से हमें कंपेयर करना है कहीं चाहिए दोनों सेम है तो ब्लड सर्कुलेशन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि दोनों से अगर सेम है तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक है अगर इसमें कुछ अलग दिख रहा है तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है तो ऐसे सिचुएशन में अगर प्रॉब्लम है तो हमको बैंडेज जो है उसको थोड़ा लूजली हमको बांधना पड़ेगा ताकि जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो अगर पॉसिबल है तो एंड सेवेंथ इज गिव ऑन गोइंग कैजुअल्टी केयर ये हमारा लास्ट स्टेप रहता है कि जब तक हमारा मेडिकल हेल्प नहीं आ जाता उस सिचुएशन तक हमको उसके पास रहना है और उसको एक केयर देना है प्रोवाइड करना है जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी आने तक देना है ये हो गया हमारा एक्सटर्नल ब्रीडिंग नेक्स्ट नेक्स्ट इज आर इंटरनल ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा एयरवे बी होता है हमारा ब्रीदिंग सी होता है हमारा सी हमारा आर और डी होता है हमारा डिफिब्रिलेशन इस चीज को हमको फॉलो करना है सेकेंड इज हमको एम्बुलेंस को कॉल करना है थर्ड इज ले देशेंट डाउन विद बेंट और लेग्स रेस्ट और अब पिलो में भी यूज़ अंडर कंफर्ट पोजीशन पे लेटाना है उसको एक लेटाना है।, है, मतलब उस है उस पोजिशन में आदमी या फिर जिसको भी इंजरी हो रखी है नेक्स्ट इज इफ पेशेंट इज कपिंग ब्लड हेल्प पेशेंट टू सिट डाउन कंफर्टेबल पोजिशन अगर जो जिसको भी चोट लगी है जो पेशेंट है वो खून करने के उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है तो उस सिचुएशन में उसको थोड़ा सा हमें लूज करना है द लास्ट इज डो नॉट गिव देशेंट एनीथिंग टू ईटरिंग अगर वो मुंह से उसका ब्लड निकल रहा है कॉफ करने के टाइम पे इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से तो उस टाइम पे उसको कुछ भी खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं देना है और बाकी तो हमको ऑन गोइंग केयर हमको लेना ही है जब तक हमारा मेडिकल हेल्प नहीं आ जाता सो होप दिस पार्ट वॉज अंडरस्टूड ये पार्ट को अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया सो विल कंटिन्यू दिस टाइप्स ऑफ इमरजेंसी स्पेसिफिक एमरजेंसी को हम कैसे फर्स्ट एड देते हैं विल कंटिन्यू विद दिस पार्ट सो थैंक यू फ्रॉम माइंड मैगम